अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो इस यूनिट में है वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करने के 6 मेथड्स हैं, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्राउच्स मेथड, जैकोबीज मेथड, गॉस शीडल मेथड एंड रिलैक्सेशन मेथड। तो इनके फॉर्मूलेज कैसे होंगे, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशंस हैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, जो इनके कोफिशियंट्स होंगे सिर्फ वही लिखने होते हैं। तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, 1, वाई का है 2, जेड का है 1, तो ये हमने लिख लिया। और इक्वल्स टू 3 जो लिखा हुआ है उसको लाइन खींच के 3 को यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 1 माइनस 2 माइनस 5 और 1। तो ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इसमें। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। आपको करना क्या है, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इन तीनों वैल्यूज को आपको क्या बनाना है, 0। तो आपको क्या करने होंगे, अप्लाई सीरीज ऑफ रो ऑपरेशंस टू रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू अ सिंपलर फॉर्म। आपको इसको सिंपलर फॉर्म मतलब इन तीन वैल्यूज को आपको 0 बना देना है, ठीक है, लोअर ट्राइंगल को 0 बना देना है। तो उसके लिए क्या याद रखना है कि इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को 0 करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आर वन रो की। ये आर टू रो है, ये आर वन रो है, ये आर टू है, ये आर थ्री है। तो विथ दी हेल्प ऑफ आर वन आपको आर टू और आर थ्री को क्या करना होगा, 0 करना होगा। कैसे करना होगा वो आप वीडियो में देख लेना, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को 0 करने के लिए, आर टू और आर थ्री की, इन दोनों वैल्यूज को 0 करने के लिए आर वन की हेल्प लेनी है, और इस वैल्यू को 0 करने के लिए आर थ्री की, इस वैल्यू को 0 करने के लिए आर टू की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस में देख लेना जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये लोअर ट्राइंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको वापस आप इक्वेशन फॉर्म में राइट करना, इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो तीनों टर्म्स होंगे, तो एक्स वाई जेड तीनों होंगे। यहाँ पर एक्स वाला टर्म 0 हो जाएगा और वाई और जेड वाले कुछ टर्म्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर जेड वाला टर्म मिलेगा, उससे क्या होगा, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो जेड की वैल्यू मिलने के बाद हम यूजिंग बैकवर्ड सब्सिट्यूशन हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे। बैकवर्ड सब्सिट्यूशन मतलब जेड की वैल्यू फाइंड हो गई तो उसको नेक्स्ट सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन बनी होगी इससे, उसमें आप वाई और जेड की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम बैकवर्ड इक्वेशंस में सब्सिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए बैकवर्ड सब्सिट्यूशन मैथड है। तो इस टाइप से ये मैथड का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है, गॉस जॉर्डन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मैथड। इसमें भी क्या होगा, सेम वही गिवन इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद गॉस एलिमिनेशन क्या कहता था, इस लोअर ट्राइंगल को 0 बना दो, लोअर ट्राइंगल की वैल्यूज को 0 बना दो। लेकिन यहाँ पर इनको 0 बनाने के साथ साथ जो डायगोनल है उसकी वैल्यू को क्या बनाना होगा, 1, ठीक है। तो मेक लोअर ट्राइंगल एज 0 एंड डायगोनल वैल्यूज टू 1 विद दी हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस। तो हम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके इन लोअर वैल्यूज को 0 कर देंगे और डायगोनल को 1 कर देंगे। और यहाँ पर इस लोअर ट्राइंगल को 0 करने का मेथड तो मैंने बताया ही है कि इन दोनों वैल्यूज को 0 करने के लिए आर वन की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसको 0 करने के लिए आर टू की हेल्प लेनी पड़ेगी। और देख लेना इसमें 1 कैसे कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स मैंने वीडियो में बताया उनको देख लेना। इसको कन्वर्ट करने के वापस इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना, यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी और z की वैल्यू जो मिली है उसको बैकवर्ड सब्सिट्यूशन से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट इज क्राउच्स मेथड। तो क्राउच्स मेथड्स में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं उससे a, x और b, a कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, x वेरिएबल वेक्टर बनाना है या अरे बनानी है और b कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में देख लेना मैंने कैसे बताया है। तो जो गिवन इक्वेशन है उनसे आपको ए एक्स बी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, ए इक्वल्स टू एल यू करे हुए, ठीक है। एल यू से क्या होगा, एल क्या होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जैसे ये वाली है, लोअर ट्राइंगल क्या होगा, पूरी वैल्यूज होंगी इसमें नॉन जीरो। तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें हमें ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और जो U है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है विथ डायगोनल की वैल्यू 1 रखनी है। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन इसका डायगोनल की वैल्यू क्या रखनी है, 1।
तो इसको देख लेना मैंने कैसे बताया है सॉल्व करेंगे. सॉल्व जब करोगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी, यानी आपको एल और यू मैट्रिक्स मिल जाएगी. तो एल और यू मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए करने के बाद आपको एल वाई इक्वल्स टू बी निकालना होगा. एल की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली मैट्रिक्स की, बी की आपको गिवन है क्वेश्चन में, वाई इससे निकल आएगा. ठीक है, उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना होगा, यू एक्स इक्वल्स टू वाई. तो u की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू फाइंड कर चुके, तो x की वैल्यू मिल जाएगी. x की वैल्यू क्या होगी, जो आपके अननोन वेरिएबल्स होंगे x, y, z, उनकी वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएगी. तो आपको सिर्फ तीन स्टेप्स फॉलो करने, पहले a इक्वल्स टू एल यू फाइंड आउट करना है, फिर एल वाई इक्वल्स टू बी, फिर यू एक्स इक्वल्स टू वाई. तो आपको x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी.